इस स्मार्टफोन ट्रेंड को मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। मेरे को लगता था कि कोई नहीं, अभी अर्ली स्टेज है, 2018-19 का स्टेज था, तब ब्रांड ऐसा कर रही है, चलो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में इम्प्रूव होगा। जब मैं देख रहा हूँ कि 2020 में रियलमी जैसा ब्रांड रियलमी 6i के साथ ऐसा काम कर रहा है, मेरे को लगा कि बात करना ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन्स के फेक कैमरा सेंसर्स के बारे में। किसी डुअल कैमरा स्मार्टफोन को क्वाड कैमरा बनाने के लिए 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर, मैक्रो सेंसर दिया जाता है। और इस वीडियो में स्पेशली मैं कंपेयर करूंगा पोर्ट्रेट सेंसर या डेप्थ सेंसर के बारे में 2 स्मार्टफोन्स के साथ, Realme 6i एंड Redmi 9 Prime। एक फोटो मैंने लिया है डेप्थ सेंसर को कम्प्लीटली कवर करके, पोर्ट्रेट फोटो की बात कर रहा हूँ, एंड एक फोटो मैंने Redmi 9 Prime से भी लिया है डेप्थ सेंसर को कवर करके एंड बिना कवर किया। एंड जो रिजल्ट आप देखोगे ना, वो कम्प्लीटली आपको सरप्राइज कर देगा। एंड क्योंकि मैं फोटोज़ या वीडियोज़ अकेला शूट करता हूँ, तो मैंने स्मार्टफोन को ट्राईपॉड पे लगा लिया था, एंड एक फोटो मैंने टेप लगा के लिया एंड एक फोटो बिना टेप लगा के। मैंने बिल्कुल कोशिश की कि बिल्कुल हिलो ना उस जगह से, ताकि एग्जैक्ट फोटो आ पाए। मैं सजेस्ट करूँगा कंक्लूजन के लिए ज़रूर वेट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताना एंड शेयर ज़रूर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं। ये Redmi 9 Prime का सैंपल्स है। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आपको विदाउट टेप दिख रहा होगा एंड लेफ्ट साइड में विथ टेप। एंड क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे विथ टेप है, जहाँ पे हमने डेप्थ सेंसर को कवर कर रखा है, वहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं देखने को मिल रहा है। तो यस, इसका जो डेप्थ सेंसर है वो काम कर रहा है या डिटेक्ट कर रहा है कि आपने कवर कर रखा है डेप्थ सेंसर को, और वो जो बैकग्राउंड ब्लर वाली फोटोज है वो नहीं दे रहा है। अगर हम पोर्ट्रेट मोड से भी फोटो लेंगे तो नॉर्मल फोटोज टाइप आ रहा है। बट सेम चीज़ Realme 6i में आप देख सकते हैं कि चाहे आप डेप्थ सेंसर कवर करके रखो या बिना कवर करके रखो, रिजल्ट एग्जैक्टली सिमिलर आएगा। एंड ये चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे ही आप पोर्ट्रेट मोड ओपन करते हैं ना, चाहे ऑब्जेक्ट दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो आर्टिफिशियल ब्लर होता है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो फाइनल फोटो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करेगा। मेरा जो थम्स है वो बिना डेप्थ सेंसर के यूज़ किए भी उसने एग्जैक्टली सिमिलर कटआउट दिया है, या डेप्थ सेंसर को यूज़ करके भी। तो आप देख सकते हैं कि जो भी खेल चल रहा है वो सॉफ्टवेयर का चल रहा है। तो कंक्लूजन यही है कि ब्रांड्स हमारे नंबर्स के साथ, एडिक्शन के साथ खेल रही है एंड हमारा फ़ायदा उठा रही है। क्योंकि कॉमन चीज़ है, अगर मैं किसी बंदे के पास जाऊँगा और कहूँगा कि भाई इसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा है और इसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा, कौन सा बेटर है, साफ सीधा वो यही कहेगा कि भाई इसमें 48 है, बड़ा नंबर है तो बेटर रहेगा, ये 13 है बेटर नहीं है। या किसी को मैं ये दिखाऊँगा कि भाई इसमें सिंगल कैमरा है, ठीक है, और इसमें क्वाड कैमरा है या डुअल कैमरा है, वो कहेगा नहीं यार डुअल कैमरा है तो कुछ ना कुछ तो बेटर कर रहा होगा। ये हमारा माइंडसेट बन चुका है एंड इस बात को ब्रांड्स अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जहाँ पे ये दे भी नहीं सकते, जैसे मान लो यार बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स है 8-8 हज़ार रुपये का या 7-8 हज़ार रुपये का, उसमें भी आपको डेप्थ सेंसर दिया जाता है, ठीक है, डेप्थ सेंसर या क्वाड कैमरा स्मार्टफोन्स भी है, एक दो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो बस हमारे सेंटिमेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं। ब्रांड्स साफ सीधा जानते हैं कि भाई कुछ काम नहीं कर रहा वो सेंसर, बट हमें देख के अच्छा लगता है जिसका वो फ़ायदा उठा रही है। एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जो हमने अभी सैम्पल्स देखा था रियलमी 6i का, डेप्थ सेंसर को कवर करके एंड बिना कवर करके सेम रिजल्ट आ रहा था, एंड कितना अच्छा रिजल्ट था, चाहे वो एज डिटेक्शन हो गया सब कुछ। तो जो भी सॉफ्टवेयर है वो आजकल इतना ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है कि हमें ये 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर का जरूरत नहीं होता। एक और एग्जांपल बताता हूँ, पिक्सल 3a, 4a या आईफोन SE 2020, सभी 40 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन्स हैं, 40 हज़ार के आसपास आते हैं, एंड इसके जो पोर्ट्रेट फोटोज़ आते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल होते हैं, और आप किसी और स्मार्टफोन के साथ इस बजट में कंपेयर नहीं कर सकते। एंड ये सभी स्मार्टफोन सिंगल कैमरा वाले स्मार्टफोन है, क्वाड कैमरा नहीं, डुअल कैमरा नहीं, सिंगल कैमरा, मतलब ये सिर्फ कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी एंड सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ऐसा रिजल्ट ले रहा है। आप कहेंगे यार जोन्स पिक्सल 3a 4a तो तूने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, कैसा बता रहा है, आईफोन SE 2020 तो मेरा प्राइमरी स्मार्टफोन है भाई। वो अलग बात है कि वो अभी सर्विस सेंटर में पड़ा है, क्यों पड़ा है आपको नहीं पता, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करो यार, मैंने एप्पल सर्विस सेंटर से लाइव स्टोरी डाला था कि क्या हो गया। तो आईफोन SE 2020 के साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया था, चाहे वो कैमरा रिव्यू वगैरह हो गया, एंड उसमें मैंने क्लियरली बताया कि ये जो पोर्ट्रेट लेवल या पोर्ट्रेट फोटोज ले रहा है, जो एज डिटेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो आजकल जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमें ये 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर की ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें कंपनीज को कहना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, आप 2 सेंसर दे दो, एक मेन सेंसर दे दो, टेलीफोटो दे दो या मेन सेंसर दे दो, उसके बाद अल्ट्रा वाइड दे दो अच्छे क्वालिटी का, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो स्मार्टफोन के बैक को कैमरा से भर दिया जाता है ना, उससे बेटर है कि 2 सेंसर दे दो पर वो प्रैक्टिकल हो एंड फंक्शनल हो। अभी चेंज हमें शुरू करना पड़ेगा। शेयर करो इस वीडियो को और लोगों को बताओ कि यार 4-4 कैमरा होने से बेटर नहीं होता, कुछ चीज़ बेटर नहीं हो जाता, 2-2 कैमरा भी काफ़ी होता है या सिंगल कैमरा भी काफ़ी होता है अगर वो फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल रहा तो। इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा एंड आपने थोड़ा सा चेंज किया होगा अपने माइंडसेट को कि हायर नंबर हमेशा बेटर नहीं होता, प्रैक्टिकलिटी एंड फंक्शनैलिटी हमें देखना चाहिए। एंड अगर कोई
12 मेगापिक्सल का कैमरा फंक्शनल है, ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो बस उसी के साथ जाना चाहिए, हमें ज़्यादा कैमरास की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो ज़रूर शेयर करना, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पिछले एक महीने में, चलो एक महीना छोड़ दो, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, लगभग 4-5 महीने होने को है, आपने कितना मैक्रो फोटो लिया अपने स्मार्टफोन में, या जो आपका 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है उसे कितनी बार यूज़ किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।